नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से चर्चा करूंगी रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती जिनके जिस दिन से सुशांत भाई हमें छोड़कर गए हैं, उसके नए नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल में ही सुरजीत सिंह राठौर एक चश्मदीद गवाह बनकर हमारे सामने आए हैं, और जिनका कहना है रिया चक्रवर्ती सुशांत भाई को आखिरी बार शवगृह में देखने के लिए पहुंची थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मिस्टर राठौर के हेल्प से मुंबई पुलिस ने उनको इजाजत दी, और उनकी वजह से वो जाकर उन्होंने शव को देखा। जब सुशांत भाई के कपड़े हटाए गए और देखने के बाद सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर राठौर, उनका ये कहना है कि जैसे उन्होंने वस्त्र को हटाया, उनके चेहरे पे से जैसे ही बॉडी के ऊपर से जैसे ही कपड़े को हटाया, उनके गले में एक निशान थी। वो निशान जिस तरह की निशान थी, जिसको देख कर मिस्टर राठौर के थ्रू ये क्लियर हो गया था कि आत्महत्या तो हो नहीं सकता। एक हंसता खेलता एक खुश मिजाज इंसान इस तरह का चेहरा लेकर आज लेटा हुआ था, जिसके गले पर गले दबाने की दोनों तरफ से खींचने की निशान थी, जिसे क्लियर हो गया था उनको इस तरह से खींचा गया है कि ये चीज़ें टूट गई थी और ये सामने निकल गई थी। इस तरह से अगर कोई रस्सी से अगर अपने आप को टांगता है तो ये निशान ऊपर जाएगी, ना कि ये चीज़ें टूट के सामने आएगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी उस टाइम, और ये बात सुरजीत सिंह राठौर ने उसी वक्त मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म की थी, वहाँ के DCP को इन्फॉर्म की थी, और इसकी FIR कॉपी भी पब्लिकली जारी कर दी गई है, लेकिन उसको भी ढक दिया गया, इस चीज़ को सामने नहीं लाया गया। बात करूँगी रिया चक्रवर्ती की, जिसने वहाँ पहुँचकर जैसे ही अपने सुशांत भाई को देखा और देखते ही उनके छाती पे हाथ रखकर सिर्फ इतना बोला, I am sorry बाबू, मुझे माफ़ कर देना बाबू। अब मैं पूछना चाहूँगी रिया चक्रवर्ती से, या फिर मैं पूछना चाहूँगी आप सभी से, क्या कभी ऐसा हुआ है जब कोई हमारा अपना जाता है तो सॉरी हम किस वजह से बोलते हैं। सॉरी बोलने की दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि या तो हम उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, कई बार उनको हम अलग अलग अस्पताल में जेब लेकर जाते हैं, या तो हम कहीं उनको देखने लेट पहुंचते हैं और उनको आखिरी समय पर उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। कई रीज़न हो सकते हैं कि हम उनको बचा नहीं पाए किसी अपने किसी बहुत खास को, उस वजह से हम उनको सॉरी बोलते हैं कि सॉरी मैं समय पे नहीं आ सका, या सॉरी मैं आपको बचा नहीं सका, शायद मैं इससे अच्छा इलाज आपको उपलब्ध करा पाता। और कई वजह इस तरह की हो सकती है सॉरी बोलने की, लेकिन इस तरह की कोई वजह तो मुझे रिया चक्रवर्ती के साथ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इंसान इतने वर्षों से सुशांत भाई के साथ थी, लेकिन अंत समय में ब्रेकअप का नाम लेकर वहां से गायब हो जाती है, और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उनके फोन डिटेल के अकॉर्डिंग कहीं कोई मैसेज कहीं कोई फोन कॉल्स नहीं आते हैं। तो जो खुद हत्यारिन है वो इस तरह का बचा ना सकी वाली स्टेटमेंट में तो कहीं भी फिट नहीं होती, क्योंकि वो एक खुद और खुद एक हत्यारिन है, खुद एक मर्डरर है। बात करूंगी अब उन्होंने सॉरी बाबू बोला क्यों। फिर आखिर सॉरी बाबू बोलने की दूसरी वजह यह हो सकती है कि उन्हें लास्ट वक्त ऐसा लगता है कि मैंने जो किया, मरने के बाद सॉरी बोल दूं, मेरा किया हुआ पाप खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा, सुशांत भाई ऊपर बैठ के माफ कर देंगे। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बोला था कि भाई ने बोला, जा माफ किया तुझे क्योंकि तू तो मेरे प्यार की काबिल भी नहीं, जा माफ किया तुझे तू तो मेरे नफरत की भी काबिल नहीं। तो शायद उसको ऐसा लगता है कि माफी मांगने पर मुझे सुशांत माफ कर देगा, लेकिन क्या हम भारत की जनता उनको माफ कर पाएंगे? क्या सुशांत भाई की आत्मा की शांति अभी तक हुई होगी? और ये सॉरी आखिर क्यों बोल रही है रिया चक्रवर्ती? इसका जवाब क्या वो CBI को देगी? हाल ही में ये भी आ रहा है, क्योंकि अब हर एक नया नया मोड़, अभी तक हमारे पास ये स्टेटमेंट थी कि उसने I am sorry बाबू बोला, लेकिन हाल ही में अब ये भी आया है, रिसेंटली एक नई न्यूज आ रही है कि ये भी एक मुंबई के सत्ता हमारे ठाकरे की एक मिली जुली साजिश है। ये हमारे सुरजीत सिंह राठौर भी ठाकरे का एक ग्रुप है, एक ठाकरे का एक पार्ट है, ठाकरे की एक साजिश है, एक प्लानिंग है, एक प्लॉटिंग है। 2 महीने बाद उनको सामने लाया गया है और ये चीजें बुलवाई गई है, जिससे कि मुंबई पुलिस और जिससे कि CBI और सारे लोगों का एक जो ध्यान है दूसरी तरफ भटक जाए। तो ये किस तरह की प्लॉटिंग प्लानिंग चल रही है, ये चीजें अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको उम्मीद है सॉरी बाबू रिया चक्रवर्ती का जो भी खेल है, गेम है, और अभी तक जितनी भी चीजें सामने आई है, बिजनेस प्लानिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जिस तरह की चीजें उन्होंने सुशांत भाई के साथ की है, पिल्स देना, दवाई देना, डॉक्टरों के पास ना लेकर जाना, खुद जाकर फाइल दिखाकर दवा लाना, कुक अपना रखना, अलग अलग चीजें, सब कुछ सामने आना बाकी है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का असली रूप और साथ में पूरा गैंग जो इसमें शामिल है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बात करूंगी मैं अपने निकम्मा और
सबसे घटिया, जो किसी टाइम पे नामी गिरामी और अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जानी जाती मुंबई पुलिस के लिए। एक सवाल है मुंबई पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस से सवाल पूछूंगी, जब उनकी सगी बहन शव गृह के बाहर इंतजार कर रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी कि एक बार अपने भाई को देखना चाहती है, अंतिम विदाई देना चाहती है, उस वक्त मुंबई पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। पर रिया चक्रवर्ती जो एक हत्यारिन है, खूनी है, ऐसा क्या दिया रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को, ऐसा क्या कहा रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को कि रिया चक्रवर्ती को आपने परमिशन दे दी पर उनकी बहन को नहीं देखने दिया? मुंबई पुलिस आखिर कितना गिरोगे और कितना गिरे हुए हो तुम? आखिर क्यों इतना बिक गए? अपने वर्दी का तो अपना एक बार अपना ख्याल रखते। मुंबई पुलिस जो कहीं हम सब नाच करते थे उस पे थूक दिया तुमने, शर्म आती है आज तुम्हें? पुलिस की वर्दी उतार दो और अपने खाकी वर्दी पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुंबई पुलिस शर्म आनी चाहिए। बात करूंगी महेश भट्ट की। महेश भट्ट का एक हाल ही में एक चैट आया है रिया चक्रवर्ती के साथ। कहते हैं एंजल, बहुत इज्जत करती है रिया चक्रवर्ती उसकी, उनको अपना गॉड फादर मानती है। कहती है आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ, ब्लेस्ड, अपने आप को ब्लेस्ड फील करती है 70 साल के बुड्ढे के साथ सोते हुए। ब्लेस्ड फील करती है जब उसके साथ 70 साल का बुड्ढा रोमांस करता है। ब्लेस्ड फील करती है क्योंकि अब उसके साथ महेश भट्ट का हाथ है। महेश भट्ट के से वो बताती है कि मैं 8 जून को अपना सारा सामान लेकर उससे दूर हो गई, सुशांत भाई से अलग हो गई, और इस बात पे खुशी जताता है ये बुड्ढा ठरकी महेश भट्ट। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है कि महेश भट्ट का पूरा हाथ है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के ब्रेकअप में, और आपका A to Z सारा खर्चा सुशांत भाई उठा रहे हैं, और गुफ्तगू इलू इलू आपस की बातें आप महेश भट्ट से शेयर कर रहे हो। क्या मिला था ऐसा महेश भट्ट में जो सुशांत भाई से नहीं मिला आपको? आखिर क्या परी एंजल, वो बाबू और उसकी तुम परी, ऐसा कौन सी सोन परी वाली हरकतें कर दी तुमने? सोन परी आई, रिया आई, रिया आई, तू तो पहले ही धोखेबाज थी क्योंकि तुझे महेश भट्ट ने पहले ही समझ लिया था, और तुझे जो रोल दिया गया था जलेबी मूवी में, जो डायरेक्ट किया गया था महेश भट्ट के थ्रू, जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर था आयशा, उसमें भी तूने यही किया, अपने लालच में आकर किसी के प्यार को लात मार के, पूरे परिवार के प्यार को लात मार के, अपने होने वाले बच्चे को गिरा के तू अपने अय्याशी के लिए सबको छोड़कर चली गई, और तेरे लिए जो मूवी बनी, महेश भट्ट ने जो मूवी बनाई जिसमें तेरा नाम रखा जलेबी, मूवी का नाम तेरे पे सूट करता है। तो आज मैं आप पूरे भारत जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सोए नहीं, जागे रहें, और तब तक जागे रहें, तब तक लड़ते रहें जब तक कि सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि CBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पूछताछ स्टार्ट कर दिया है, दिल्ली की टीम भी पहुंची है, एम्स के डॉक्टर पहुंचे हैं, और सारी चीजों की जांच पड़ताल फिर से की जा रही है, वापस से सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मुंबई पुलिस ने बहुत कोशिश की है, ठाकरे ने बहुत कोशिश की है कि ये सारी सबूतों को 2-2.5 महीने में मिटा दिया गया है, लेकिन रिक्रिएट करके कुछ ना कुछ सामने आएगा। हमें उम्मीद है कि CBI कुछ ना कुछ निकालेगी, दिल्ली की टीम, मुंबई CBI सब मिलके काम करेंगे, हमारे एम्स के डॉक्टर्स जो यहाँ से गए हैं उन पे भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नए चीजें सामने आएंगी। तो इंतजार करें, मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इंतजार करें मेरे साथ, और लड़ते रहें मेरे साथ सच सामने आने के लिए। इंतजार करें सारे मुजरिमों को जेल में फांसी के अंदर लटके हुए देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान, आप मेरे साथ बने रहें।